गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 5th अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले ब्रांड न्यू टॉपिक करने वाले हैं अहोम किंगडम के बारे में, जो कि आसाम से बिलोंग करता है। ये थोड़ा सा न्यूज में है तो अहोम किंगडम के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, आपके हिस्ट्री वाले परस्पेक्टिव से बात करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटीज में टेक्स्ट बुक्स वगैरह में ज्यादा अहोम किंगडम के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस काफी है, उसके बारे में बात करेंगे। नए सीजेआई को अपॉइंट किया गया है, मतलब किए जाने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बातचीत यहां पे कर सकते हैं। थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे, क्वालिफिकेशन जानेंगे हल्का फुल्का, क्योंकि रिपीटेड सा टॉपिक है, बार बार इसको हम लोग कर चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। कास्ट इन इस्लाम, देखिए एज अ इस्लाम, एज अ रिलीजन, एज अ कॉन्सेप्ट, इस्लाम कास्टिज्म की बात नहीं करता है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो इस्लाम के अंदर भी कास्टिज्म होता है, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रिपीटेड टॉपिक है, पहले करवा चुका हूं इसको मैं आपको, लेकिन अगर पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक होगा। आपको मैं बताऊंगा कि इस्लाम के अंदर इंडिया में जो है वो किस तरह से जो है कैटेगराइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द कास्ट, उसके बारे में बात करेंगे। और ये न्यूज में क्यों है, कंसर्न क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर सकते हैं। इलेक्शन सिंबल को लेकर बार बार घुमा फिरा के न्यूज आती रहती है, रिपीटेड सा न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे कुछ बोला है तो कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए पहले भी आपको मैं कई बार बोल चुका हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने का यही मैजिक होता है कि एक ही टॉपिक को हम लोग जो है टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहते हैं, जिससे हमें उसकी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है और वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। देखिए हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों होती है ना। तो जैसे आपके पास मोबाइल में कोई ओटीपी आता है तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, आपको ओटीपी बाद में याद नहीं रहता, लेकिन अगर आपको कोई खास इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करनी है तो उसको आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ताकि आपकी ब्रेन को पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किया जाता है। और यही मजा होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अगर आप एक दिन बैठ के मैगजीन उठा के पढ़ने लगते हो और आपने एक दिन सारे टॉपिक पढ़ लिए, आपके ब्रेन को लगेगा ओके आपने तो एक बार पढ़ा है, तो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए आपको बार 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 एक न्यूज को पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं कई बार ऐसे टॉपिक कंक्लूड करता हूं जो रिपीटेड होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, चलिए रिपीट एप्रिसिएशन गुड और बैड, ये एक्चुअली भी आज का एक इंटरव्यू सेशन था जिससे मैंने इसको उठा के यहाँ पे लिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एक्चुअली मेंस के लिए क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। कुछ पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाले हैं इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी का टॉपिक है और आपको पता ही है कि इकोनॉमी टॉपिक में मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों का इकोनॉमी थोड़ा सा वीक होता है। पॉलिटी तो सभी का लगभग लगभग स्ट्रॉन्ग होता ही है ना, लगातार पेपर में कवर होता है, लक्ष्मीकांत वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी वाला थोड़ा सा मुझे कंसर्न रहता है, बच्चों की क्वेरी भी आती है कमेंट सेक्शन में कि इकोनॉमी के आर्टिकल को ज्यादा इंक्लूड किया करें, कोशिश करता हूँ। खैर फ्लड्स रीजन एंड सोल्यूशन जीएस पेपर 3 में इसको हम लोग अपने डिजास्टर मैनेजमेंट से कवर करेंगे, और के फ्लड के कारण क्या होते हैं, फ्लड का सोल्यूशन क्या होता है, न्यूज में क्यों है, फिर पॉलिटी से ही आपके लिए मैंने 2-3 एमसीक्यू यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं। लेकिन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, ठीक है जी, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ये बताएं, अपनी अटेंडेंस दें। जिस भी टाइम आप न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनते हो, मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी करते हो तो कम से कम ग्रीट आप कर सकते हो, है ना, प्रेप आई इसको कर सकते हो, मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर सकते हो, तो मुझे पता चलता रहेंगे ना कौन से एस्पिरेंट है, लगातार देखते हैं। खैर तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वहां पे ये आता है आसाम को लेके, और आसाम में किंगडम की बात आती है जिसे हम लोग अहोम किंगडम बोलते हैं। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके प्रीलिम्स के लिए कि पूछ सकता है कि अहोम किंगडम वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो उसमें तमिलनाडु, आसाम, मणिपुर, हरियाणा, इस तरह से पूछ सकता है। तो आसाम से बिलोंग करता है अहोम किंगडम, काफी इंपॉर्टेंट किंगडम रहा है, और इस किंगडम के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल का नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है बैटल ऑफ सरायघाट। ये एक्चुअली गुवाहाटी में लड़ी गई थी ब्रह्मपुत्र नदी के घाट के ऊपर, बैटल ऑफ सरायघाट, याद रखोगे 1671 में। और ये किस किस के बीच में हुई थी, मुगल्स के बीच में हुई थी, मुगल्स वर्सेस अहोम किंगडम, इनके बीच में हुई थी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुगल्स की आर्मी इतनी स्ट्रोंग हुआ करती थी उस समय, ऑफकोर्स सबसे स्ट्रोंगेस्ट आर्मी इन्हीं की थी, उसके बावजूद भी मुगल्स को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था जब इन्होंने अहोम किंगडम से लड़ाई लड़ा था। इवन अपने पूरे टेन्योर के अंदर जो है मुगल जो है वो अहोम
किंगडम को उनके विक्ट्री नहीं ले पाए थे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि होम किंगडम की जो डिफेंस की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और होम किंगडम में जो है बोरफुकन ना, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इनके मिलिट्री चीफ हुआ करते थे और इन्हीं की लीडरशिप में जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी। और अगर आप आसाम वगैरह में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे, तो वहाँ पे इनके बहादुरी के बहुत चर्चे किए जाते हैं। एक्चुअली इनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी है, और इसी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये डिफीट हुआ था यहाँ पे मुगल्स का, इनकी आर्मी को बेसिकली जो है यही लीड कर रहे थे, तो इनको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, है ना। ही इज नोन फॉर द लीडरशिप ऑफ द बैटल ऑफ सरायगढ़ इन 1671 इन विच द मुगल्स वर लॉस्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। होम किंगडम के एक बहुत खास बात ये थी कि इन्होंने बहुत ही यूनिक तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, जिसमें लोग पता क्या करते थे, रिवर्स के ऊपर जो है ना बोट का ब्रिज बनाते थे, बोट ब्रिज बनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि मुगल्स के पास नहीं थी और उस समय बहुत सारे किंगडम्स के पास नहीं थी, तो इसकी वजह से भी गोरिल्ला वॉरफेयर की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें होम किंगडम वाले बड़े तेज थे भैया। कई बार ये पता क्या करते थे, कई बार ये अपने डिफेंस को जानबूझकर वीक दिखाते थे अपने ओपोजिशन को, और जब वो एंट्री कर जाते थे तब बीच में से जो है वो लाइन काट देते थे, कम्युनिकेशन लाइन मतलब रास्ता वास्ता काट देते थे, और तब जो है चारों तरफ से घेर को जो है मारते थे। बड़ी ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो शुरुआत में दिखाते थे कि अच्छा यार इनकी आर्मी तो बड़ी कमजोर सी है, 10-20 लोग हैं, वो घुस जाते थे ओवर कॉन्फिडेंस में आके, और फिर बाद में जाके जो है उनको मार देते थे। बड़ी ही जबरदस्त चीज है। और ललित बोरफुकन गोल्ड मेडल, ये अवार्ड दिया जाता है किसको दिया जाता है, जो बेस्ट कैडेट्स होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए, जो एनडीए का एग्जाम बच्चे क्लियर करते हैं उनमें जो बेस्ट बच्चे होते हैं ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको जो है बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है। याद रहेगा आपको, ये मेडल जो है 1999 में इसको शुरू किया गया था। ओके, चलिए इतना आपके लिए काफी है। और होम किंगडम की को फाउंडर कौन है, उनका नाम था चालोलंग जो है सुगाफा, ये उनका नाम था अहोम किंगडम के जो फाउंडर थे 13 सेंचुरी के अंदर में। ठीक है, अहोम रूल्ड द लैंड टिल द प्रोविंस वाज अनेक्स्ड, बाद में जो है 1826 में ब्रिटिशर्स ने इसको डेफिनेटली अनेक्स कर लिया अंडर द ट्रीटी ऑफ यानदोबू, ये ट्रीटी आपने याद रख लेनी है। ठीक है, और अहोम किंगडम के अंदर बेसिकली क्या था ना, जो पहले सिस्टम चला रहा था लैंड लॉर्ड वाला, वो जमींदार वाला, वो सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया था। ये एक्चुअली फोर्स लेबर के ऊपर काम करते थे, और जो है स्टेट के द्वारा लोगों को हायर किया जाता था और उनको कहा जाता पेक्स। तो पेक्स मतलब फोर्स लेबर, जो कि अहोम किंगडम का एक बड़ा ही यूनिक सा फीचर हुआ करता था। और वैसे तो अहोम किंगडम जो है इनके जितने भी हुआ करते थे, दे यूज टू वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, लेकिन फिर बाद में जो है इन्होंने हिंदू रिलीजन के अंदर जो गॉड्स आते हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, और एसमीज लैंग्वेज ऑफ कोर्स इनकी मेन लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है, इनकी जो हिस्टोरिकल वर्क है उसे कहा जाता है बुरांजीज। ठीक है, वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज में लिखी गई और बाद में इसको एसमीज लैंग्वेज में लिखा गया, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए बुरेनीज। ठीक है, बस ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये पूरी कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, और ये पूरे का पूरा जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये है भैया अहोम किंगडम। ठीक है, अहोम किंगडम है ये, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आ जाता है बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्रा रिवर बांग्लादेश में एंट्री करती है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नहीं कहा जाता, ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ब्रह्मपुत्रा नहीं कहा जाता, ब्रह्मपुत्रा का नाम सिर्फ और सिर्फ आसाम के अंदर होता है, तिब्बत में इसका अलग नाम होता है, अरुणाचल में अलग नाम होता है, और बांग्लादेश में अलग नाम होता है। अगर किसी बच्चे को पता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि तिब्बत में क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे जो है सीजीआई ने भैया नाम प्रपोज कर दिया है, अगले सीजीआई कौन होंगे, उनका नाम है यू ललित। तो हमारे जो अभी प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस हैं रमन्ना जी, ये रिटायर हो रहे हैं 26 तारीख को, 20 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, तो इनके बाद जो है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज यू ललित जो है इनके सक्सेसर बनेंगे। तो ये तो छोटी सी न्यूज थी। चीफ जस्टिस का अपॉइंट कैसे किया जाता है, सीजीआई एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ध्यान रखो बाय द प्रेसिडेंट नो द प्राइम मिनिस्टर अंडर क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1950 से लेके 73 तक क्या प्रैक्टिस हुआ करती थी,
कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हुआ करता था वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्रैक्टिस को आके चेंज कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि इंदिरा गांधी जो है जुडिशरी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई खास रिस्पेक्ट नहीं थी उनकी, तो उन्होंने ये चीजें चेंज कर दिया। और 1973 में सबसे पहली बार ए एन रे, ठीक है, इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, जबकि तीन सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे, मतलब ये चौथे नंबर पे जो है जूनियर जज हुआ करते थे, इनको जो है चीफ जस्टिस बना दिया क्योंकि इंदिरा गांधी के काफी क्लोज हुआ करते थे। फिर बाद में 1977 में एम यू बेग, ये भी जूनियर जज हुआ करते थे, इनसे ऊपर तीन सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे भैया, इनको सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बना दिया गया, सीसीजेआई बना दिया गया। तो इंदिरा गांधी के टाइम में थोड़ा सा ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ डेमोक्रेसी और एंड ऑल दैट, आपको पता ही इंदिरा गांधी का तो पूरा का पूरा टेन्योर अच्छे से, खैर। लेकिन फिर बाद में जब इंदिरा गांधी जी चली गई उसके बाद में फिर से ये प्रैक्टिस शुरू हुआ, और फिर 1993 में जो सेकंड जज केस था उसमें फिर जो है कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और तब से जो है ये मतलब नॉर्म बन गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही होंगे अगले सीजीआई, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आफ्टर, अगर देखिए सीजीआई के अलावा अगर किसी और जज को अपॉइंट करना होगा तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and the other judges of the Supreme Court and the High Courts are as he deems necessary, ठीक है। तो किसी और को अगर प्रमोट करना है लेके आना है तो उनकी कंसल्टेशन यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो स्लाइड मैंने आपके लिए डाला है ये सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, लक्ष्मीकांत के अंदर भी सारी चीजें दी हुई हैं, आपने उसके अंदर भी अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कम से कम इस स्लाइड से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होते हैं, तो जब जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जब सीट वेकेंट होती है या वो अब्सेंट होते हैं या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो दूसरे जो है प्रेसिडेंट किसी और जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब वो एक्टिंग करते हैं, एग्जैक्टली में चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन जब तक वो इनकी पोस्ट पे रहते हैं तो सैलरी वैलरी जो उनको सारा कुछ उनको उसी तरह से मिलता है। सेकंड जज केस के बारे में आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के तो एमसीक्यूज हैं वो भी जो है जुडिशरी से ही लिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, ये ध्यान देना है, कई बार हम लोग एग्जाम में भी गलती कर देते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं नोट को और सीधा निकल जाते हैं और घर पे आके बड़ा खुश हो जाते हैं कि राज तो मैं फोड़ के आया हूं, बहुत बढ़िया मैंने पेपर किया है, लेकिन जब आंसर की मैच करते हो तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसको ध्यान से देना है, हमेशा क्वेश्चन को दो बार पढ़ा करो, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडिया सुप्रीम कोर्ट, ये आपने बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एस्टेब्लिश द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहां पे है एस्टेब्लिश है, दिल्ली के अंदर है, लेकिन क्या वो इंडिया में कहीं और की जा सकती है, यस और नो आई डोंट नो, लेकिन अगर की जा सकती है तो कौन कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसमांदा लीडर्स वे मोदीज कोल, देखिए मोदी जी ने अभी मन की बात किया था कुछ समय पहले, और मोदी जी ने मन की बात में ये कहा था कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम्स हैं, उनको अपलिफ्ट करना है। और मोदी जी ने जो है बीजेपी के जो लीडर्स हैं, बीजेपी के जो कैडर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी ये कहा था कि जो मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम्स हैं, यानी कि जो लोअर कास्ट दलित और बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, उनको अपलिफ्ट करना है और घर घर जाके जो है उनको जो है मतलब जो भी चीजें हैं वो मतलब वो करते हैं पॉलिटिक्स वाले, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्होंने ये कहा है। तो उसके बाद जो है कुछ पसमानदा लीडर्स जो है वो मोदी जी से मिले, इनसे बातचीत किया और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, ऑल दैट। तो पॉलिटिकल चीजें हैं, ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, बट या पसमानदा लीडर्स, और पसमानदा क्या होता है, देखिए पसमानदा का मतलब होता है, ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है दोज हु हैव फॉलन बिहाइंड, मतलब ऐसे लोग जो पीछे छूट गए हैं। तो पीछे कौन छूट गए हैं, शूद्र और एंटी, मतलब अति शूद्र, दलित और बैकवर्ड, यही तो पीछे छूट गए हैं ना, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास पैसा है, और ना ही वो सोशली एम्पावर्ड हैं। तो पसमांदा कौन होते हैं, ये वो मुस्लिम्स होते हैं जो कि सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, मतलब जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स होते हैं उनको हम लोग पसमांदा मुस्लिम्स कहते हैं, ठीक है। इट वॉज अडोप्टेड एज अ ऑपोजिशनल आइडेंटिटी टू दैट ऑफ द डोमिनेंट अशरफ मुस्लिम, देखिए इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा अशरफ मुस्लिम्स कौन होते हैं। तो 1988 के अंदर जो है पसमांदा मुस्लिम महाज एक ग्रुप बनाया गया था बिहार के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। देखिए तो पसमांदा कौन होते हैं, आपको पता चल गया, जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स होते हैं, तो बैकवर्ड्स दलित ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटी, जिसके अंदर जो है कुछ नाम यहाँ पे दिए हैं जैसे कुंजरे, जुलाहा, धुनिया, कसाई, फकीर, हजाम, महतार, ग्वाला,
उस धोबी है ना, ये सब आपके पसमानदा मुस्लिम्स के अंदर में आते हैं। इस्लाम के अंदर जो है अगर हम लोग माइनॉरिटीज की बात करें, ऑफकोर्स तो माइनॉरिटी तो है ही, क्योंकि जो हमारा नेशनल एनसीएम एक्ट है 1992, उसके अंदर जो है इंडिया में 1993 में 5 रिलीजियन कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया था, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस, फिर बाद में 2014 में जैन्स को भी जोड़ दिया गया। तो नो डाउट के जो पसमानदा मुस्लिम्स वो माइनॉरिटी में तो आते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के अंदर भी सबसे ज्यादा जो है वो नीचे वाले तबके में आते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम्स के अंदर किस तरह से डिवीजन होता है थोड़ा आपको बता देता हूं। तो मुस्लिम के अंदर 3 तरह का डिवीजन होता है। हालांकि इस्लाम में एज सच कास्टिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन साउथ एशिया की जब हम लोग बात करते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तो यहाँ पे बड़ा सा यूनिक सा फीचर है, क्योंकि हिंदुइज्म से फिर ये चीजें जो है मुस्लिम्स में भी आ गई। इवन क्रिश्चियंस के अंदर भी साउथ एशिया के अंदर जो है वो कास्ट सिस्टम होता है। तो मुस्लिम सोसाइटी को बेसिकली तीन स्टेटस ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें बिरादरी कहते हैं। तो सबसे ऊपर जो मानी जाती हैं वो होते हैं अशरफ्स, जिसे नोबल एलीट कहते हैं, ऑनरेबल वंस। फिर आते हैं अजलफ्स, बैकवर्ड मुस्लिम्स, और फिर आते हैं अर्जल्स, दलित मुस्लिम्स आते हैं। अशरफ को वो माना जाता है जिनको कहा जाता है कि जो कि सीधे डायरेक्ट जो है वो जो जो डिसेंडेंट्स हैं जो अरेबिया से आए थे, पर्सिया से, टर्की से, अफगानिस्तान से, सीधे उनके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। मतलब उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, उस तरह से हैं, जिसमें सैयद्स आते हैं, शेख आते हैं, मुगल्स और पठान्स आते हैं। या फिर वो होते हैं जो कि पहले हायर कास्ट मुस्लिम हिंदू हुआ करते थे, जैसे राजपूत, गौर, त्यागी मुस्लिम्स, ब्राह्मण्स, वो कन्वर्ट हो गए। तो उन दोनों को अशरफ कहा जाता है। या तो वो सीधा डिसेंडेंट्स होते हैं अरब कंट्री से, टर्की, अफगानिस्तान से, या फिर जो है हायर कास्ट हिंदू हुआ करते थे वो कन्वर्ट हो गए, उसे कहते हैं अशरफ। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं अजलफ्स, ये मिडिल कास्ट कन्वर्ट्स होते हैं, ठीक है, दलित नहीं होते हैं, मिडिल कास्ट कन्वर्ट होते हैं। जिस तरह से हम लोग हिंदू ओबीसी की बात करते हैं तो उस तरह से रहता है, जैसे कुंजराज, ठीक है, दर्जी जिसे इद्रीस कहते हैं, मोमिन्स, जुलाहा, ठीक है, इन्हें कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं अर्जल्स, ठीक है, जैसे हिंदू के अंदर एससीज होते हैं। तो 1991 के अंदर पहली बार सेंसस किया गया था उनको, जिसमें अनटचेबल्स भी आते हैं, जैसे जो है भंगीज, धोबीज, नाई, हज्जाम, फकीर, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। हालांकि कास्टिज्म एज सच, दीज आर सो कॉल्ड कास्ट, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग सभी इक्वल होने चाहिए, और से भी इक्वल होते भी हैं, बट सोसाइटी की जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं डेफिनेटली वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो जो लोअर कास्ट, जिसमें हम लोग ओबीसी की भी बात कर सकते हैं और एससी एसटी की बात कर सकते हैं, तो जो है उसके बारे में ही बेसिकली पूरा आर्टिकल है। थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये जो ऊपर लिंक दिया हुआ है ब्लू कलर में, आप इसको क्लिक कर सकते हो, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था ये, और हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आप इस क्लिक के ऊपर क्लिक करोगे लिंक के ऊपर, तो आपको वो आर्टिकल ओपन हो जाएगा, आप उसको भी थोड़ा पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है। तो पसमानदा जो है मुस्लिम्स के बारे में, एंड दीज आर द ऑल डिटेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Kerala stares at the repeat of 2018 floods as the rain fury continues. भैया बहुत ज्यादा बारिश हो रही है केरला के अंदर, और हालांकि जून के महीने में इतना बारिश नहीं हुआ था, डेफिसेंट था, लेकिन अभी अगस्त में और एंड ऑफ जुलाई में तो काफी हालत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा फ्लड है केरला में। 2018 में भी इस तरह का फ्लड आया था, अभी आया है बहुत खतरनाक वाला, लेट्स सी। तो फ्लड के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, हालांकि ये स्लाइड मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए डाली है, आप खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि इस आर्टिकल में जो है ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है सच, बट स्टिल जैसे क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ड्यूरेशन कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, साइक्लोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने लगे हैं, क्लाउड बस्ट बहुत आम सी बात हो गई है पहाड़ी एरिया में, फ्लड वगैरह आता रहता है, स्क्यूड रेनफॉल पैटर्न हमारा यहाँ पे हो गया है, ट्रांसनेशनल रिवर्स भी हैं, है ना, कोई रिवर तिब्बत से आती हैं, हिमालय से रिवर्स आती हैं, तो उसकी वजह से जो टोपोग्राफी है वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह से भी फ्लड आ जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। और हिमालय जो रीजन है पूरा अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, तो अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो रिवर्स का जो पानी वानी है वो भी ओवर फ्लो हो सकता है, रिवर अपना कोर्स चेंज भी कर सकती हैं, है ना, उसकी वजह से फ्लड आ जाता है। ये तो हो गए नेचुरल रीजन्स। फिर कुछ हमारे पास मैन मेड रीजन्स भी होते हैं, जैसे अनप्लान्ड डेवलपमेंट हम लोग करते हैं, है ना, जंगल वंगल काट देते हैं, एंक्रोचमेंट करते हैं, फ्लड कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं करते, लैंड यूज पैटर्न चेंज हो गया है ना, वो सारी सारी चीजें। और
वाटरवेज जो हमारे जो लेक्स हैं रिवर्स हैं वहाँ पे बहुत सारा इंक्रोचमेंट होता है। डल लेक के बारे में हम लोग पहले अच्छे से बात कर चुके हैं। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे होता है, जो प्लास्टिक वगैरह होती है वो जो नालियों वगैरह में अटक जाती है, पानी रुक जाता है कनाल्स वगैरह का, तो वो तो कुछ हमारे पास मैनमेड रीजंस हो गए। सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, देखिए सोल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया का देखिए फ्लड जोन जो हमारा खासकर ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये सब फ्लड प्रोन रीजन है आपका। यहाँ पे गोदावरी कृष्णा डेल्टा आता है, तो ये पूरी नॉर्थ इंडियन रिवर्स तो सारी की सारी फ्लड प्रोन होती हैं, क्योंकि हिमालय में जब, क्योंकि इनको पानी कहाँ से मिलता है, इनको पानी हिमालय से मिलता है ना ग्लेशियर वगैरह से, तो जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है रेनफॉल ज्यादा हो जाता है तो वो सारा पानी रिवर्स के अंदर ही आता है और ये बहुत बार ओवरफ्लो हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड आ जाता है ना। जैसे हमारे पास एक रिवर है जिसे कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार, है ना, सोरो ऑफ बिहार, और एक रिवर है जिसे कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया है, तो थोड़ा अगर आप मेरी हेल्प कर दोगे कमेंट सेक्शन में कि सोरो बिहार सोरो बंगाल कौन सी रिवर को कहा जाता है तो बात का मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैपिंग करनी है, आपको ये पता लगाना है कि भैया इंडिया में कौन कौन से एरिया सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन है, तो आप अच्छे से मैपिंग करिए। सैटेलाइट वगैरह सिस्टम का आप उसमें से अच्छे से यूज कर सकते हो, है ना। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला होता है ना, बाद में स्टेप लिए जाते हैं। उसके अलावा जो रिवर चैनल्स होते हैं आप उनको डीप कर सकते हो, चौड़े कर सकते हो, ठीक है, और डाइवर्जन चैनल कर सकते हो जहाँ पे एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो कहीं और पे डाइवर्ट कर सकते हैं, कहीं पे लेके जाके उसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स क्यूबलेट्स डाइक्स वगैरह बना सकते हो। जो रिपेरियन जोन्स होते हैं, जो रिवर वाले जो जोन्स होते हैं, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से रिस्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ वेड़ लगा सकते हो रिवर के दोनों तरफ, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और जब हम लोग डैम्स वगैरह बनाते हैं कनाल्स बनाते हैं तो टाइम टू टाइम उनकी रिव्यू भी करना जरूरी है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके सेंडाई फ्रेमवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फ्रेमवर्क होता है, तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में जरूर पढ़ें। इसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है डायरेक्ट मेन्स के अंदर, तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। थोड़ा गूगल करोगे आपको समझ में आ जाएगा और आपके डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है ठाकरे फैक्शन गेट्स रिलीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया हुआ था, एक तरफ जो है शिंदे वाला ग्रुप था और दूसरी तरफ जो है वो जो है ठाकरे जी उद्धव ठाकरे वाला बेसिक ग्रुप था। तो शिंदे वाले ग्रुप का कहना है कि वही ओरिजिनल शिवसेना है, वही जो है बाला साहब ठाकरे के कदम पे चलती हैं। उद्धव ठाकरे कहना कि नहीं, वो मेरे पिताजी थे, उन्होंने पार्टी की शुरुआत किया तो मैं ही उनका सही हूँ और मेरी शिवसेना वो सही है। हालांकि अभी तक शिवसेना का स्प्लिट नहीं हुआ है, कोई शिंदे ग्रुप ने अपना कोई नया पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाया है और ना ही उन्होंने बीजेपी के साथ मर्ज किया है, और इसलिए जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है वो स्प्लिट के बारे में बात करता है ना, और वो मर्ज के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पे ना स्प्लिट हुआ ना मर्ज हुआ, तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी सी पेक्यूलर हो गई है, राइट। तो सिंबल किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बारे में कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया है 8 तारीख का समय लिया है, अब 5 हो गई है, 2-3 दिन की बात हो रहे हैं, तो इनको कहा है कि आप अभी तक कुछ भी मत करिए और 8 तारीख तक उनके आर्गुमेंट वगैरह मांगे हैं, जब वो सबमिट करेंगे तब बात यहाँ पे होगी, ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, उसके पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जो पार्टीज होती हैं उनको सिंबल्स दिए जाते हैं, और जो स्टेट पार्टी होती हैं जो नेशनल पार्टी होती हैं उनको जो भी सिंबल दिए जाते हैं वो उस सिंबल का थ्रू आउट कंट्री थ्रू आउट स्टेट यूज कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेट पार्टी नहीं होती जो नेशनल पार्टी नहीं होती उनके पास कोई एक सिंबल नहीं होता है, उनके पास मल्टीपल सिंबल हो सकते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है, इसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास ही एक्सक्लूसिव पावर होती है, है ना। ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द ओनली अथॉरिटी जो कि डिस्प्यूट और मर्जर वगैरह के बारे में डिसीजन ले सकती है, और इसको 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा मामला अलग है, क्योंकि ना यहाँ पे स्प्लिट हुआ ना यहाँ पे मर्जर हुआ, है ना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, उसका सिंबल किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा, वो मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है। थोड़ा देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा अच्छे से उसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का जो देखिए इतना बड़ा आर्टिकल है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसको पढ़ना, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको पढ़ सकते हो,
अगर आपने बिल्कुल अपने बेसिक्स कवर कर रखे हैं बढ़िया से, एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ रखी है, नोट्स बना रखे हैं, अदरवाइज नहीं बना रखा है तो इतने कॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोड़ देना। मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करने की कोशिश करूंगा समझाने की, जितना समझ में आए वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आए तो गो बैक टू द बेसिक्स, अपने टर्म्स को क्लियर करिए, फिर से आके इसको देख सकते हैं। तो जब रुपी डाउन हो रहा है भैया, करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का इंक्रीज हो रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत सारा डॉलर जो है इंडिया की मार्केट से जो है वो बाहर अमेरिका की तरफ जा रहा है, तो सिचुएशन काफी खराब चल रही है और उसके बारे में बेसिकली आर्टिकल है। तो इनका कहना है कि भैया जो रुपी की वैल्यू डाउन जा रही है, ये क्राइसिस है या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में ही पूरा आर्टिकल है कि रुपी की वैल्यू डाउन जाना क्या वो हमारे लिए बेनिफिट है या हमारे लिए नुकसान है। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं थोड़ा सा, जिसको आप जाके पढ़ सकते हो। पहली बात उन्होंने क्या कहा, देखो ये क्राइसिस है। यूजली क्या होता है, जो रुपी की वैल्यू कम होती है तो ये हमारे एक्सपोर्ट को बेनिफिट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट को बेनिफिट तब करता है जब रियल वैल्यू इंक्रीज होता, रियल वैल्यू डिक्रीज होती है रादर देन नॉमिनल वैल्यू, है ना। अब ये एक टर्म आ गई नॉमिनल रियल, क्या होता है, अब आप समझ रहे होंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, नॉमिनल और रियल, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अभी आपको बताना पड़ेगा कि नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है। देखिए नॉमिनल का मतलब होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, नॉमिनल का मतलब होता है फेक, और रियल तो रियल होता है। सोच के देखिए, जैसे मान लो आपके पास आपकी जो पिछले साल आपकी सैलरी जो है 10,000 रुपए थी, लेकिन पिछले साल आपके खर्चे सिर्फ 9,000 रुपए थे क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं था, तो 1,000 रुपए आपने सेविंग कर लिया था। इस साल क्या हुआ, आपकी इनकम 15,000 रुपए हो गई लेकिन आपके खर्चे 16,000 हो गए, 16,000 हो गए, तो 1,000 रुपए सेव करने के बजाय आपको 1,000 रुपए उधार लेना पड़ रहा है। तो ये होती है नॉमिनल रियल वैल्यू। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, 15,000 हो गई है, पिछले साल 10,000 थी, तो नॉमिनल इंक्रीज तो हो गया है, लेकिन क्या रियल में इंक्रीज हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके खर्चे डबल हो गए हैं। तो पहले जहां खर्चा 9,000 था, इस बार खर्चा जो है 16,000 हो गया, तो इसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, इसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। रियल वैल्यू अलग होती है, रियल वैल्यू हम लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, नॉमिनल में हम लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, है ना, तो वो बात है। चलिए, तो हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज तो होती है लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, रियल इंक्रीज होना चाहिए, फेक इंक्रीज नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो जैसे मान लिया आपके पिछले महीने आपने 10,000 रुपए रेंट दिया, आपने आराम से चुका दिया पिछले साल, इस साल जो है आपका रेंट जो है वो 20,000 हो गया लेकिन आपकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए बढ़ी, रेंट 10,000 रुपए बढ़ गया, तो वो आपका फेक इंक्रीमेंट है, रियल इंक्रीमेंट नहीं है, वो नॉमिनल इंक्रीमेंट है, रियल इंक्रीमेंट नहीं है। आया थोड़ा समझ में? तो इनका कहना है कि भैया जो रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है वो सिर्फ नॉमिनल डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो रियल डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट का हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो हमारा डोमेस्टिक भी चल रहा है, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन तो है ही है ऑफ कोर्स। तो जब पैसा कमजोर होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि जब पैसा कमजोर होता है तो ऑयल, अब ऑयल के लिए तो डॉलर में चुकाना पड़ता है, डॉलर हो गया है स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ऑयल हो गया महंगा। अब भैया ऑयल का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, तब जब ऑयल महंगा हो जाएगा तो सारा ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। पहले आपको कई बार बता चुका हूं कि ऑयल जो है वो हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है, तो ऑयल का महंगा होना और ऑयल का सस्ता होना डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइस को डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलिए, इट स्क्वीजेस द परचेसिंग पावर ऑफ दोज इनकम्स आर नॉट लिंक्ड टू द, मैंने बताया ना आपको कि जिन लोगों की इनकम इन्फ्लेशन के साथ अटैच होती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी अटैच नहीं होती है उनको तो दिक्कत है। आप ये समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मनरेगा है, ठीक है, 3 साल पहले मनरेगा में मान लो एक दिन का आपको 400 रुपए मिलता था, और मान लो आज भी आपको 400 रुपए मिल रहा है, तो क्या इनको बेनिफिट है? नहीं, इनको तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन जो 4 साल पहले थी आज थोड़ी ना भैया, आज तो सारी चीजें महंगी हो गई हैं भैया, केला 80 रुपए दर्जन हो गया है, 4 महीने पहले यही केला जो है 60 रुपए दर्जन हुआ करता था। तो जिन लोगों की इनकम नहीं जुड़ी हुई है इस क्राइसिस के साथ उनको तो नुकसान है, है ना, तो उनके लिए तो क्राइसिस है। कैपिटल आउटफ्लो ऑफ कोर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है तो वो तो एक बड़ी चीज है ही। करंट अकाउंट डेफिसिट भैया इंक्रीज हो रहा है इंडिया का, करंट अकाउंट डेफिसिट समझते हैं ना, जो ट्रेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसे हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। तो जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है, तो ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रुपी विच इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, है ना। एक्सपेंसिव बिजनेस एंड द फ्रेंचाइज लॉयल्टी, तो समझ लीजिए आप, जैसे मान लो मैकडी है,
तो जिस भी बंदे ने इंडिया में मैकडी की फ्रेंचाइजी ले रखा होगा, अब उसको तो मैकडी में डॉलर को पैसा चुकाना पड़ता है ना भाई, वो रुपया में तो रुपये में थोड़ी देता है मैकडी को। मैकडी हो गया या डोनट्स हो गया, मतलब कुछ भी हो गया जो इंटरनेशनल ब्रांड होती है, तो उनको तो बेचारों को नुकसान हो रहा है जिन्होंने फ्रेंचाइजी ओपन उन्होंने की खरीद रखी है। वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल डेट इज इंक्रीजिंग, ऑफकोर्स सीधी सी बात है ना, टाटा बिरला अंबानी ने बहुत सारा एक्सटर्नल डेट ले रखा होगा क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, अब इनको तो डॉलर में चुकाना पड़ता है। डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपया वीक होगा, तो इनके ऊपर तो बर्डन हो जाएगा बेचारों के ऊपर, है ना। राइज इन द फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो वो भी देखे बात होगी यहाँ पे भी, ठीक है। जो जब फ्यूल का प्राइस इंक्रीज होता है तो सारी सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, डिमांड कम हो जाती है, बिजनेस की एक्टिविटी कम हो जाती है, वो सारी सारी चीजें, तो नुकसान तो बहुत है रुपया अगर वीक होता है। लेकिन क्या कुछ बेनिफिट भी हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे सामने हैं, बिल्कुल हैं। इट हेल्प्स मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होगा, चाइनीज करेंसी भी वीक होगी, वियतनामी करेंसी भी वीक होगी, फिलीपींस की करेंसी भी वीक होगी, तो सारे के सारे कंट्री में आपस में कॉम्पिटिशन हो जाता है भैया कौन ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। क्योंकि जब किसी की डोमेस्टिक करेंसी वीक हो जाती है तो उस करेंसी के प्रोडक्ट्स की डिमांड विदेशों में बढ़ जाती है, तब ये देखना है कि क्या इसका इंडिया एडवांटेज उठा पाएगा, क्या हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इंक्रीज हो पाएगा एज कम्पेयर टू चाइना, वियतनाम, फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। एक थोड़ा एडवांटेज तो यहाँ पे मिलता है। देखिए चाइना इतना ज्यादा माम अपना सामान क्यों एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना की करेंसी वीक है, चाइना ने जानबूझ के अपनी करेंसी को वीक कर रखा है ताकि उसकी इंटरनेशनल मार्केट में सामान सस्ता बिके और उसकी डिमांड हो, तो अभी एडवांटेज इंडिया के पास भी हो सकता है ना। इट हेल्प्स कीप द चेक इन द इंपोर्ट्स, क्योंकि जब करेंसी वीक हो जाती है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है, ठीक है नहीं, तो इसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट, हम लोग अब हम लोग इंपोर्ट कम करेंगे तो सीधी सी बात है, तो क्योंकि विदेशी चीजें महंगी हो गई हैं, तो आत्मनिर्भर भारत इसको भी प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि इंडियन कंपनी डोमेस्टिकली उस चीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। मान लो आप रेडियो है, पहले आप रेडियो अमेरिका से मंगवाते थे, अब वो तो हो गया महंगा, तो आप अमेरिका से तो मंगवाओगे नहीं, तो हो सकता है कोई इंडियन कंपनी रेडियो को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है ना। कुछ एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स डेफिनेटली इंक्रीज होती है। विद द डिक्लाइन इन द रुपी वैल्यू द रेवेन्यू ऑफ द आईटी कंपनी विटनेस स्पाइक, तो जब से भैया रुपी कमजोर हुआ है तो जो भी टीसीएस या आईबीएम जितनी भी जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, खासकर इंडिया वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईबीएम तो इंडियन नहीं है, इनका भैया इनके स्टॉक जो है वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि ये तो डॉलर में डील करते हैं, विदेशी करेंसी में डील करते हैं, तो इनको तो बेनिफिट हो गया। रियल सेक्टर जो है वो भी इम्प्रूव ग्रो कर रहा है, क्योंकि मान के चलिए जो एनआरआई होते हैं या जो जो विदेशी लोग होते हैं, अब डॉलर क्योंकि महंगा हो गया है, डॉलर स्ट्रोंग हो गया है, तो उनके लिए इंडिया में जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता पड़ गया है क्योंकि डॉलर स्ट्रोंग हो गया है, तो इसीलिए एनआरआई जो लोग हैं वो इंडियन रियल एस्टेट के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रियल सेक्टर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है ना। उसके अलावा जो टाटा स्टील, नालको, जीएसडब्ल्यू, क्योंकि इंडिया जो है काफी ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट करता है, तो स्टील सेक्टर में काफी ग्रोथ नजर आ रही है पिछले कुछ समय से जब से रुपया वीक हुआ है, तो कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी भी है, कुछ कुछ क्राइसिस भी है, है ना, तो प्लस माइनस करके जो है वही चीज हमें करनी पड़ती है। और लेकिन ज्यादा नुकसान है इंडिया के केस में, है ना, क्योंकि इंडिया ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता नहीं है चाइना के जैसे, अगर हम लोग ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते, एक्सपोर्ट करते, तो हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता था, तो इसलिए आरबीआई ने कई सारे स्टेप लिए हैं रुपी के फॉल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जिसके बारे में हम लोग पहले अच्छे से खासे से बात कर चुके हैं, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ से सवाल है हमारे पास मेंस के लिए, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द कंटिन्यूस फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ द रूपी, ऑल्सो मेंशन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आउटकम्स ऑफ इट, ठीक है, आसान सा सिंपल सा सवाल है। तो इसकी जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो आज हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, वो हम लोग पहले डिस्कशन अच्छे से कर चुके हैं, सेकंड वाला जो पार्ट है वो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो एक बढ़िया सा आंसर आप जो है इसके लिए लिख सकते हैं। आज का जो कोट है दोस्तों वो है, लेजी पीपल आर फुल ऑफ एक्सक्यूजेज एंड विल से एनीथिंग टू अवॉइड द टेकिंग एक्शन। कई सारे बच्चे हैं जो मुझे मिलते हैं, कमेंट करते हैं, ईमेल करते हैं, तो बच्चे यही बात बोलते हैं कि सर सुबह सुबह न्यूज़पेपर की एनालिसिस मेरे से नहीं देखी जाती, मुझे ये करना होता है, वो करना होता है, रात को नींद आ जाती है, मुझे घर के काम होते हैं, मेरे दोस्तों को पार्टी करनी होती है, तो ये सब के सब बहाने हैं। आप लेजी बन रहे हो, आपके पास प्रॉपर गोल नहीं है, अगर गोल है तो वो सिर्फ गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, लेजी पीपल आर फुल ऑफ एक्सक्यूजेज, है ना, सर मैं बीमार हो गया था, मुझे ये काम पड़ गया था, मुझे दोस्त के पास जाना था, मेरा स्कूल था, मेरा कॉलेज था, मैं जॉब करता हूँ, ऑल दीज आर एक्सक्यूजेज, क्योंकि यही चीजें जो हैं आपकी लाइफ में नहीं है, बहुत लोगों की लाइफ में है, यही सेम हर्डल्स होते हुए कुछ लोग यूपीएससी टॉप कर देते हैं, और यही सेम हर्डल्स होते हुए कुछ लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस भी नहीं देखते हैं, तो उनमें और आप में क्या फर्क है, सिर्फ ये फर्क है, वो लेजी नहीं है, आप लेजी हो।
उनके पास प्लान नहीं, प्लान है, आपके पास प्लान नहीं है। तो लेजीनेस को छोड़ो, ये आपका दुश्मन है, ठीक है, तो बस लगे रहो अपने काम पे। देखिए दिक्कत तो होती है, बोर्डम तो होती है, कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता है, लेकिन वो जर्नी का पार्ट होता है। दुनिया में ऐसा कोई, अब आपको क्या लगता है कि गांधी जी के 24 घंटे 12 महीने जो है मोटिवेटेड रहते थे, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी नहीं, कभी कभी उनकी लाइफ में भी मोमेंट आता होगा, वीक मोमेंट आता होगा, जब उनका मन करता होगा छोड़ो यार कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर वो खड़े होते थे। तो वही आपने भी करना है। कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास है, थोड़ा आप इनको जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज दोस्तों आज की एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस दे दिया करो, जो MCQs हम लोग पूछते हैं उसके आंसर भी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।